उत्तर प्रदेश ने भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कम से कम 7.5 करोड़ लोगों को योग से जोड़ने की योजना बनाई है। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने 21 मई से 21 जून तक अमृत योग के माह के रूप में मनाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। दुर्गा शंकर मिश्रा ने सभी जिला अधिकारियों को 7.5 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य दिया है। साथ ही आयुष विभाग से योग को लेकर की जा रही तैयारियों की रिपोर्ट भी मांगी है। 21 जून को विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास भी किया जाएगा। गंगा घाटों पर योग कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। इसी के साथ कानपुर के जिला अधिकारी नेहा शर्मा ने सभी विभागों और उनके प्रमुखों को 21 जून को होने वाले योग दिवस के लिए जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 21 जून को सभी सरकारी विभागों के प्रमुख भी लोग साथ में योगाभ्यास करेंगे। इस मौके पर गंगा नदी को स्वच्छ करने का संकल्प भी लिया जाएगा। साथ ही योगी सरकार चिकित्सा के प्रकृति तरीकों पर आधारित स्वास्थ्य क्षेत्रों को बढ़ावा देना चाहती है। योग प्राकृतिक उपचार की आधारशिला है और सरकार इसे अलग स्तर पर ले जाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।